बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी से जुड़ा मामले, योगी स्टाइल में एक बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी एक किराए के मकान में रहता था जिस पर बुलडोजर चलाया गया, उस मकान को तोड़ा गया। वन विभाग की जमीन पर यह घर बना हुआ था, ऐसा कहा गया, जिस पर एक्शन होते हुए उसे जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि चाकूबाजी के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया, तनाव के हालात पैदा हो गए थे, अब हालात काबू में है। घायल छात्र का भी इलाज जारी है अस्पताल में। पहली बार उदयपुर में बुलडोजर चला है और देखिए तमाम सवाल उठाए गए थे किराए मकान मालिक की तरफ से और उसके अलावा जो यहाँ पर रहने वाले पड़ोसी लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जवाब तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और बुलडोजर चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और देखिए धीरे धीरे करके इस मकान को जो है वो ढहाया जा रहा है। लोग यहाँ पर थे उनको पहले पीछे हटाया, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तैनात है पहले, और आसपास के जो मकान है ठीक उससे एड जॉइनिंग जो मकान है वहाँ पे सबको हटा दिया था और पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो ऊपर भी जो मकान बने हुए थे वहाँ पर भी पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, चप्पे पे नजर रखी जा रही है। ड्रोन की सहायता से यहाँ पर पूरे इलाके में जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी जो है अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर नहीं हो। और देखिए जो एक सख्त मैसेज है, भले ही कुछ सवाल उठाए गए हो लेकिन एक ऐसे मैसेज कि इस तरह का जो भी कृत्य करेगा उसके खिलाफ, अब राजस्थान में भी भजनलाल सरकार भी योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई करेगी और जो इस तरह के मामलों में संलिप्त पाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उन लोगों के को सोचने पे मजबूर करेगी जो कि बिना ही सोचे समझे इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, क्योंकि कल जब ये घटनाक्रम हुआ था सीधे तौर पे लोगों ने यहाँ पर इसको कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़ के देखा और उसके बाद में बड़ी मात्रा में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनकी यही मांग थी कि जो आरोपी है उसके घर को ढहाया जाए। हालांकि यह प्रोसेस इतना आसान नहीं था, बावजूद उसके जिला कलेक्टर अरविंद कोसवाल, पुलिस प्रशासन, नगर निगम आयुक्त, तमाम लोगों ने मिलकर जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है उसको यहाँ पर अंजाम देते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की है और धीरे धीरे करके इस मकान को जो है वो धराशाही किया जा रहा है। तमाम लोगों को यहाँ पे पीछे किया गया है और अब JCB की सहायता से इस मकान को ढहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि वन विभाग की जमीन है वहाँ पर ये मकान बना हुआ था, दस्तावेज मांगे गए थे संभवतया कि सभी कुछ अन्य मकानों पे भी नोटिस चस्पा करने की बात जो है वो सामने आई थी। जो UP की तर्ज पर राजस्थान में भी भजनलाल सरकार जो है वो बुलडोजर कार्रवाई करे, और देखिए जैसे ही ये मांग उठी और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में कहें या अन्य अधिकारियों के साथ में ऊपर ये बात पहुंचाई गई तो कहीं ना कहीं विधि सम्मत कार्रवाई करने का जो है वो सिग्नल मिला और यही कारण है कि यहाँ पे ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोई जवाब नहीं मांगा गया, बस मकान मैंने किराए से दे रखा था, मकान खाली करवा दिया, अब उसके बाद में ये बुलडोजर चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ रही है। उदयपुर के अंदर कई मकान मालिकों ने किराए दे रखे हैं मकान, और कोई ऐसा हादसा हो जाता तो क्या सबके मकान तोड़ देंगे क्या? फिर किराए से कोई मकान देगा ही नहीं, और अभी फिलहाल ये फैमिली कहीं पे भी रहेगी तो क्या उसको भी तोड़ देंगे क्या? कहीं पे भी तो रहेगी ये फैमिली। आपको नोटिस क्या दिया गया था? 6 बजे जिस टाइम में तो मैं रही भी था भी नहीं, नोटिस ये चिपका हुआ है और मतलब 2 घंटे का भी टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। क्या क्या नोटिस में क्या पूछा गया, क्या क्या दस्तावेज आपसे? कुछ भी नहीं पूछा, वो नोटिस लगा के चले गए मेरे से।